अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और आज है जुमरात का दिन और हफ्ते को होने वाली है एक दावत वापस से, तो बस उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी है, लेकिन आज नहीं। अभी हम कर रहे हैं अपने घर की कुकिंग, और घर के कुकिंग में कुछ इस तरह से है कि मैंने कल बनाई थी थोड़ी सी काली दाल एंड चावल, तो सोचा कि उसके साथ थोड़ा सा मीट का कोई ऑप्शन रख लेते हैं। तो और फ्राइडे भी होगा कल फिर, तो अच्छा होगा कि ये सालन थोड़ा बना रहेगा तो सब मिक्स करके जो है खा लिया जाएगा कल भी। कल पकाने को कुछ नहीं होगा, फिर अच्छी चीज़ ये होगी कि फिर हम सिर्फ दावत की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ अभी, क्या अभी मैं बनाने जा रही हूँ मलाई बोटी चिकन हंडी। और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगी एक छोटी अदद प्याज, क्योंकि मैं एक पाउंड के करीब कीमा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बोनलेस हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास अभी चिकन का कीमा था तो मैंने इसलिए चिकन का कीमा यूज़ कर लिया। तो हमें चाहिए एक अदद प्याज, थोड़ी बहुत ग्रीन चिली अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप, आपका जितना स्पाइस लेवल हो, थोड़ा सा कोरिएंडर एंड मिंट। और उसके साथ मैं कीमे के अंदर इसको ऐड कर दूंगी, साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऑल्सो, एंड हम इन सब चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। जी जनाब, फ्रेश क्रीम भी हम अपने ब्लेंडर के अंदर इसमें चॉपर में डालेंगे और साथ ही सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ हो गई है जोहर की अजान। अच्छा जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है कीमा और सारे इंग्रेडिएंट्स जो अभी आपको पहले बताए हैं। अब उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालेंगे, और जो मसाला है वो हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, गरम मसाला, और आई एम गोइंग टू यूज़ लिटिल बिट ऑफ पैकेट सीख कबाब मसाला टू। सही है, तो जनाब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह की थोड़ी क्वांटिटी है, थोड़ा सा सीख कबाब मसाला, सारे इंग्रेडिएंट, और ये थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, ब्रेड क्रम्स, एंड ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर बाइंडिंग के लिए। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से चल के पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है आफ्टर इसको ग्राइंड करने के बाद, चॉप करने के बाद। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं हल्का हल्का हाथों पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाऊंगी, और लगाने के बाद मैंने उसको बहुत शैलो फ्राई करना है और बहुत हल्के तेल में फ्राई करना है। लाइक दिस, हल्का सा तेल रखना है फ्राइंग पैन के अंदर और बस इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो चलिए बनाते हैं सीख कबाब। जा रही है ग्रेवी की तैयारी, और ग्रेवी की तैयारी के लिए मैंने क्या किया है, वो जो प्याज थी, अनियन थी, उसको मैंने ब्राउन किया अच्छे से, और उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा योगर्ट, फ्रेश क्रीम, ब्लैक पेपर, क्रश चिली रेड वाली, एंड कोरिएंडर एंड मिंट, और एक जो है ना अपना लहसुन का जवा भी है। तो इन सबको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद मैंने क्या करना है कि इसको हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। तो कबाब हमारे ऑलरेडी सारे तैयार हो चुके थे, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी ग्रेवी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। मैंने सारी जो है ना इसके ऑयल के अंदर, सेम ऑयल के अंदर जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करी थी, उसी के अंदर मैंने उस ग्रेवी को डाल दिया, और बस हल्का सा जो है ना मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के हिलाया है, और जब इसके अंदर हल्का सा तेल अलग हो गया है तो मैंने इसके अंदर कबाब शामिल कर दिए हैं। और उसके एंड में मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, मैंने एक सॉल्टेड बटर जो है ना वो बहुत थोड़ा सा, लाइक आप कह सकते हैं 1 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैंने सॉल्ट बहुत कम रखा था अपने खाने में। तो अगर आप लोग सॉल्ट अपना देख के रख लीजिएगा, उसी हिसाब से ऊपर से हल्का फुल्का गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्च कट कर दें, और अदरक डाल दें, और क्रीम की थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दीजिए। लीजिए, आपकी हो गई चिकन मलाई हांडी रेडी। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और रेसिपी भी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं चैनल को, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। थोड़ा सा जो है ना लग रही है मुझे भूख, और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत खाना खा लिया जाए। तो बस मैंने तो अपना जो है ना भाई प्लेट बना ली है, और आप लोग भी बना लीजिए। चलें इन्जॉय करते हैं, आप भी इन्जॉय करें अपना लंच और हम भी इन्जॉय करें अपना लंच।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे ट्यून विद मी प्लीज़. कीप सपोर्टिंग मी जैसे आप हमेशा कर रहे हैं. अल्लाह हाफिज़.